नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग आरसीसी बीम, आरसीसी स्लैब और लिंटल का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल में बीम, स्लैब और लिंटल का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले बीम, इधर आप सामने देख रहे एक स्केच है, इसमें स्केच दिया हुआ है। 3 मीटर का ये बीम का लेंथ दिया हुआ है और इसमें टॉप में 12 mm के दो बार है और बॉटम में 16 mm के 2 बार हैं और स्टीरअप्स जो है 8 mm 150 सेंटर टू सेंटर है। ये दोनों साइड में कॉलम 300-300 है और बीम का सेक्शन दिया है 300x500, दो टॉप 12 mm 12.5 mm, दो बॉटम 16.5 mm, 8 mm का स्टीरअप 150x150। इधर बीम का सेक्शन भी दिया है, देखिए ये 4 कॉर्नर में बार है, ये हुक है दोनों साइड में 90 डिग्री बेंड, ये 300x500, 45 डिग्री 1D, 90 डिग्री 2D और 135 डिग्री 3D ये दिया हुआ है और ये 25 mm का कंक्रीट का कवर दिया हुआ है। तो अभी से सबसे पहले देखेंगे क्लियर स्पैन ऑफ बीम 3 मीटर है, डेवलपमेंट लेंथ 50D है, अजम किया हुआ है ये जो साइड का दिया है ये डेवलपमेंट। इसके बाद क्लियर कवर दोनों साइड में 25 मिलीमीटर है, तो ये 25 मिलीमीटर है। इसके बाद बॉटम बार 2 नंबर 16 का है, टॉप बार 2 12 का है, स्टीरअप्स 8 mm 150 सेंटर। अभी बीम टॉप बार 2 नंबर है, 12 का है। अभी इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, 3 मीटर, ये जो 3 मीटर लेंथ है 3 मीटर प्लस 2 × 50D, 50 × 12.012 12 mm का है, माइनस कवर कितना है 2 × 0.025 दोनों साइड का, माइनस 2D, दो साइड बेंड है इसलिए माइनस 2D, मतलब तो टोटल आ गया अपना 4.126। इसके बाद बॉटम बार है, बॉटम बार का अपना 2 है, 16 mm का है, इसका कैसे निकाला है 3 + 2 × 50 × 0.016 माइनस 2 × cover 0.025 दोनों साइड का, माइनस 2 × 2 बेंड 0.016, तो ये आ गया 4.1518 इसका टोटल आ गया। तो इसके बाद स्टीरअप्स कितना आ गया अपना 3/0.15, मतलब 3 मीटर 150 सेंटर टू सेंटर है प्लस 1, 21 स्टीरअप्स आ गया, 8 mm आएगा। अब इसका कटिंग लेंथ 2 × 0.3 प्लस पॉइंट माइनस 0.05 प्लस 0.5 माइनस 0.05, मतलब दोनों साइड का कवर माइनस किया, प्लस 3 × 2 × 0.008 प्लस 2 × 9 × 0.008, ये स्टीरअप्स का लेंथ, ये देखिए इस हिसाब से 3 − 0.05 दोनों साइड का कवर माइनस किया, प्लस 0.5 माइनस कवर माइनस किया दो साइड का, तो प्लस 3 × 2 × 0.008 ये 3 साइड का जो बेंड है उसका, प्लस 2 × ये टोटल 9 हो गया, 90 हो गया, 9 × 0.008 इज इक्वल टू आया 1.592, इसका कटिंग लेंथ आ गया 1.592। अब ये टोटल कटिंग लेंथ मतलब F × D मतलब नंबर्स × कटिंग लेंथ × C3 नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये टोटल कटिंग लेंथ आ गया। और ये अपने फॉर्मूला के हिसाब से सबका जिस जिस डायमीटर का टोटल कटिंग लेंथ है उस डायमीटर में गया है, जैसे 12 का, 16 का, 8 का, इस हिसाब से गया। और ये अपना अभी हम आगे का देखेंगे स्लैब का, टू वे स्लैब। इस केज देखिए इसमें कैसा है, 12 mm 150 सेंटर टू सेंटर ये बार है, बाद में 8 mm 150 सेंटर टू सेंटर ये डायरेक्शन में बार है, टोटल 4 मीटर है, टोटल 3 मीटर है, सेक्शन में देखें 150 mm का स्लैब है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेन बार। अभी मेन बार 150 सेंटर टू सेंटर 12 mm का एक, अभी ये मेन बार कैसे आ गया 4 मीटर, ये जो लेंथ है डिवाइडेड बाय 0.15, तो इसके हिसाब से 28 नंबर आ गया। और इसका कटिंग लेंथ कैसे आ गया 3 मीटर, मतलब ये जो लेंथ है प्लस 1 × 40D प्लस 1 × 0.42 × 150 माइनस 50 माइनस 12 इन माइनस
1 × 12 × 2, मतलब ये हमने मीटर मिलीमीटर में निकाला, तो मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। 1 × 40 डी, 12 का डायमीटर, 1.42 इंक्लिनेशन लेंथ है, 0.40 डी। और डी कैसे निकालते हैं आगे आपको बताता हूँ। इधर ये देखिए, 3 मीटर × 1 × 40 × 12 − + 1 × 42 डी। अब ये डी जो है स्लैब थिकनेस माइनस टू साइड ऑफ क्लियर कवर माइनस डायमीटर होगा, मतलब 150 − 50 − 12 = 0.88। और इसने ये जो इंक्लिनेशन का हमने निकाला है, तो फॉर्मूला इंक्लिनेशन जो क्रैंक लेंथ है इसके लिए डी डिवाइडेड बाय 745 माइनस डी डिवाइडेड बाय 1045 इज इक्वल टू 1.42 डी माइनस डी इज इक्वल टू 0.42 डी आता है। तो ये क्रैंक लेंथ 0.42 डी आता है, उसी हिसाब से ये हमने लेंथ निकाला है। इसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार नंबर्स कितना आएगा, 3 / 0.15 + 1 = 21 आएगा, 8 mm का है। इसका भी सेम 4 मीटर + 1 × 0.40 × 8 + 1 × 0.42 × 88 mm हमने नीचे देखा, −1 × 8 × 2 = 4.341। अभी हम टॉप बार के बारे में बात करेंगे। टॉप बार एलवा है एक नंबर, इसमें नंबर्स कैसे आएगा, 3 / 5 मतलब इधर नीचे दिखाया, देखिए ये कैसे आ गया अभी टॉप बार्स इधर दिखाया, देखिए LX/L/5 जो भी है डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस वन, मतलब 3 / 5 / 0.150 + 1। इस हिसाब से ये टॉप बार आएंगे। सेम इसका भी एल एक्स का भी 4 / 5 / 0.15 + 1, ये 8 mm का ही दोनों। और इसका कटिंग लेंथ कैसा है, 4 मीटर + 2 × 12 डी / 2 × 40 डी / 1000। और इसका भी सेम 3 मीटर + 2 × 12 = 40 डी, मतलब 40 × 12 / 1000 सेम इसका भी आ गया, ये टोटल कटिंग लेंथ आ गया। और ये उसके डायमीटर के हिसाब से इधर आ गया। अभी हम लिंटल की बात करिए, इसमें लिंटल दिखा हुआ है, देखिए 2.5 मीटर लेंथ है, 150 × 150 का साइज है। मेन बार आ गया आपका, टोटल 4 बार है कॉर्नर में, 1, 2, 3, 4 12 mm के हैं। उसका कटिंग लेंथ आ गया 2.5 माइनस दोनों साइड का कवर 0.05, 0.25, 0.25, 0.05। इसके बाद स्टीरअप्स आ गया 2.5 / 0.15, ये राउंड में निकालना है इसलिए हमने राउंड का फॉर्मूला निकाला है, 2.5 / 0.15 + 1, 0 ब्रैकेट कंप्लीट, ये ब्रैकेट इधर शुरू करना है इधर कंप्लीट करना है। तो 18 नंबर्स आ गया, ये 8 mm डाया। और कटिंग लेंथ इसका देखिए 0.084, अभी ये कैसे निकाला इसका डिटेल इधर देखिए, इसमें कैसा है इनर 150 − 25 − 25 − 8 = 84 आ गया, विड्थ डिस्टेंस माइनस 150 − 25 − 25 − 84 आ गया। तो कटिंग लेंथ 2 × inner depth distance + 2 × width depth + hook length − bend, हुक लेंथ 10 डी, बेंड 2 डी, तो 2 hooks or 5 bends। तो इस हिसाब से हमको 2 × 84 + 2 × 84 + 2 × 10 × 8 − 0.2 × 2 × 8 = 0.416 आएगा। इधर है देखिए 0.084 + 0.84 × 2 + 2 × 10 × 0.008 − 5 × 2 × 0.008 = 0.416। इस हिसाब से इसका टोटल लेंथ इधर आ गया, तो ये भी रिस्पेक्टेड डायमीटर के हिसाब से आ गया। और ये टोटल आ गया अपना स्लैब और लिंटल और बीम का इस हिसाब से 188.112 kg। इसे देखने के लिए समझने के लिए आसान है, सबसे पहले ड्राइंग स्टडी कीजिए, ड्राइंग में दिया हुआ है कौन सा डायमीटर है, कितना स्पेसिंग है और कितना एक्स्ट्रा टॉप है क्या है, उस हिसाब से मेन बार फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार फिर उसका स्पेसिंग, फिर अगर बीम है लिंटल रहेगा तो उसका स्टीरअप्स जो भी है उसका स्पेसिंग, नंबर ऑफ बार्स और उसका हुक्स बेंड्स, उसके हिसाब से ये देख करके आप निकाल सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा।
तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार मेरा चैनल आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।